तो मोदी सरकार बनने के बाद अब तक का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल, मंत्रिमंडल में बदलाव, फेरबदल। और ये देखिए, जो कैबिनेट का चेहरा है वो पूरी तरह से बदल चुका है। कैबिनेट में सबसे बड़ा चेहरा रक्षा मंत्री अब निर्मला सीतारमण को बनाया गया है। सुरेश प्रभु जो कि रेल मंत्री थे उनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल जिनके पास ऊर्जा मंत्रालय था अब रेल मंत्री इनको बना दिया गया है, रेल मंत्री पीयूष गोयल। नितिन गडकरी के पास अतिरिक्त मंत्रालय आ गए हैं, पहले इनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय था, अब गंगा जल संसाधन मंत्रालय भी आ गया है। वो गंगा जल संसाधन मंत्रालय जो उमा भारती के पास था। सत्यपाल सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, बागपत से सांसद है, शिक्षा राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। गजेंद्र शेखावत कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान इनका प्रमोशन हुआ। और राजीव प्रताप रूड़ी का जो स्किल डेवलपमेंट विभाग था, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो पेट्रोलियम और गैस के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी धर्मेंद्र प्रधान को दे दी गई है। उमा भारती के पास अब पेयजल और सैनिटेशन विभाग बचा है। हालांकि उनकी तरफ से आज सुबह ही कहा गया, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा गया कि वो नाराज नहीं है। उमा भारती ने इस्तीफा दिया था, उनके कैबिनेट को बदला जाना था जो लगभग तय माना जा रहा था। और उनका जो गंगा जल संसाधन मंत्रालय वो अब नितिन गडकरी को दे दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह का भी एक तरीके से प्रमोशन हुआ है, क्योंकि गिरिराज सिंह को एमएसएमई दिया गया है जो अब तक कलराज मिश्र के पास था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हरदीप पुरी शहरी विकास मंत्रालय इनको दिया गया है, एमओएस राज्य मंत्री। इसके अलावा नरेंद्र तोमर के पास खनन, और आरके सिंह केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं देश के, आरा से सांसद है, बिहार से आते हैं, इनको बिजली राज्य मंत्री। क्योंकि जितने भी 9 नए चेहरे जिनको शामिल किया गया था, सभी राज्य मंत्री होंगे, ये साफ है। अल्फांस के जो कि डेमोलिशन मैन इनको कहा जाता है, डीडीए चेयरपर्सन रहे, इनको अब पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया है। पर्यटन राज्य मंत्री जो अब तक महेश शर्मा के पास था, और स्मृति ईरानी के पास, दोनों मंत्रालय जस के तस बने हुए हैं। पहले कपड़ा मंत्री था, कपड़ा मंत्री थी स्मृति ईरानी, फिर सूचना मंत्रालय इनको दिया गया था, सूचना प्रसारण मंत्रालय। लेकिन अभी जो कैबिनेट रिशफल हुआ उसमें दोनों मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास हैं। महेश शर्मा के पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय था, लेकिन संस्कृति राय और पर्यावरण राज्य मंत्री बना दिए गए। और देखिए तस्वीर किस तरह से बदली है, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, कैबिनेट रैंक अब इनको दी गई है, इनका प्रमोशन हुआ है। राज्यवर्धन सिंह राठौर इनका भी प्रमोशन हुआ है, खेल मंत्री अब इनको बनाया गया है, जो विजय गोयल के पास था विभाग, खेल मंत्री जो विजय गोयल थे उनको संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन अब राज्यवर्धन सिंह राठौर का यहां पर प्रमोशन हुआ है। अश्वनी चौबे स्वास्थ्य राज्य मंत्री, अश्वनी चौबे बिहार से। इसके अलावा अनंत हेगड़े कर्नाटक के कन्नड़ से, इनको स्किल डेवलपमेंट राज्य मंत्री, अनंत हेगड़े को जो कि राजीव प्रताप रूड़ी का विभाग है, एमओएस। और इसके अलावा वीरेंद्र कुमार को महिला बाल विकास, गिरिराज सिंह, ये देखिए ये बहुत बड़ा फेरबदल है, बिहार बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग मंत्रालय जो है, जो कलराज मिश्र के पास था, वो इनको दे दिया गया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय इनके पास है, इसके अलावा गंगा और जल संसाधन इनके पास आ चुका है। और अरुण जेटली वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय, ये दो मंत्रालय इनके पास है। रक्षा मंत्रालय इनके पास था, वो अब नहीं है। और अब देश की नई रक्षा मंत्री जो है वो है निर्मला सीतारमण। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।